नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी पूस की रात। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील डॉल लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात में दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दे, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गालियां क्यों देगा, क्या उसका राज है, मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौंें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी, अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, ब्याज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, यह रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है, और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का, उधर से गुजर जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा, हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चूम कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया, हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता, कर्तव्य हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया, रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी ठंड कम ना हुई, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुक कर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है, सप्तऋषि अब भी आकाश में आधे ही चढ़े थे, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अतः अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों।
अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्भ को हृदय में छिपा ना सकता था। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं, उनके चरने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोछी डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदनाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाले में। खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूज जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, होली होली होली। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला। एकाएक हवा का ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। वह उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़ कर सो गया। जबरा अपना गला फाड़े डाल रहा था। नीलगाय खेत का सफाया किए जा रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है, तुम्हारे यहाँ मड़हिया डालने से क्या हुआ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा।